कन्या राशि। देखिए फिलहाल ऐसा समय दिख रहा है कि बच्चे जो हैं आपके वो बहुत ही ऊर्जावान हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस चल रहे हैं। अभी बच्चों से संबंधित जो भी कार्य है वो सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। पिछले जन्मों के कुछ अच्छे पुण्य प्रताप का फल भी मिल रहा है आपको, और आप बच्चों के लिए अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। आपकी मन स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, आप ऐसा अपने बच्चों के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा। अभी थोड़ा बहुत रिश्तेदारों से आपकी दूरी दिख रही है, रिश्तेदार लोग वगैरह जो हैं, आंखों की कुछ समस्या हो सकती है या आवाज बैठ सकता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है फिलहाल के पीरियड में बहुत ही अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल आपका। और वो कम्युनिकेशन स्किल आपका, आपके बोलने की क्षमता आपके शत्रुओं को परास्त भी करेगा, आपके बिगड़े काम भी बना सकता है। तो फिलहाल अगर आपको कहीं बोलने का मौका मिल रहा है तो आप बोलिएगा, वो आपके पक्ष में जाएगा, अड़चने दूर कर सकता है। और घर से थोड़ी दूरी दिख रही है, सुख सुविधा से थोड़ी दूरी दिख रही है। ऐसा लगता है कि घर में रहते हुए भी, जैसे कि घर में सारी सुख सुविधाएं हैं आपके, लेकिन घर में रहते हुए भी आपका मन किसी समस्या को लेकर पीड़ित है और आपका ध्यान उन सुख सुविधा पे जा ही नहीं रहा है। बच्चों के लिए थोड़ा सोचते रहेंगे अभी आप, तो इसीलिए सुख सुविधा से थोड़ी दूरी दिख रही है, घर से भी थोड़ी दूरी दिख रही है। हो सकता है कहीं घूमने चले जाएं, कहीं बाहर किसी काम से चले जाएं, या घर में बड़ा अकेलापन या सूनापन से ऐसा लगे, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि आपकी जो पत्नी है उनकी मन स्थिति कुछ अच्छी नहीं दिख रही है, पत्नी से दूरी भी दिख रही है। आप भी अभी दूरी बना के ही रखिए, दूरी बना के रखने में ही बेहतर है। अगर शांत मन से अपना कुछ समझाना चाहे पत्नी को, शांत मन से उग्र ना होकर, तो वो भी काम कर सकता है, लेकिन फिलहाल पत्नी से दूरी रहेगी और वो अच्छी ही है, थोड़े समय के लिए रहेगी। दुख दर्द दुख कष्ट जो है आपके वो थोड़ा कम होते हुए मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत कम होते हुए मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत तो रहता ही है, लेकिन अभी फिलहाल कम रहेगा। धर्म कर्म में थोड़ी आपकी रुचि दिख रही है, कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छा योग बन रहा है। जैसे कोई बिजनेसमैन है या व्यापारी लोग हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय दिख रहा है। अभी आपके पिताजी जो हैं वो कहीं यात्रा कर सकते हैं, और पिताजी हो सकता है कुछ खर्च भी करें आपके, ऐसा दिख रहा है कुंडली में। आपको भी धन की स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है, आपको धन बहुत अच्छा आ सकता है कहीं से, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो आप खुद भी देखिएगा कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो काफी बढ़ चुका है और अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आप अभी रिटर्न निकाल तो सकते ही हैं, नई जगह पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। पैसे के मामले में बहुत अच्छा समय है आपका, उसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, और मिला जुला कर समय जो है वो बहुत ही अच्छा है। पैसे आ ही रहे हैं, दुख दर्द भी कम ही हैं, बच्चे भी जो सुखद स्थिति में हैं, सिर्फ एक पत्नी से थोड़ी दूरी है। तो इस प्रकार का समय है कन्या राशि वालों के लिए। अगर आपको किसी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे कि आपकी शादी कब होगी, नौकरी कब होगी, इस प्रकार के सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सवाल का जवाब जानने के लिए अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान जरूर बताइएगा, मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।